वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो चलें जी, अभी जो है ना, मैं रवाना हो रही हूँ और सुबह से ही मसरूफ थी। अभी बच्चे और क्या कहते हैं हस्बैंड नीचे चले गए, बस मैं और फासिया जो है ना, हम लोग लाइटें शाइटें बंद करेंगे और फिर ताले शाले लगाएंगे और फिर हम लोग बस निकल रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा। कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, सब बताऊँगी इंशाल्लाह रास्ते में। तो चलें जी, चलते हैं। जनाब, हम लोग जो है ना अभी अपने ही घर के पास ही हैं। अभी किसी बेकरी पे जाएंगे, कुछ चीज़ें वगैरह लेनी है बच्चों के लिए, वो लेती हूँ। और आज का दिन तो इतना मसरूफ गुजरा है कि मैं आपको क्या बयान करूँ, बहुत मसरूफ गुजरा है। और पूरा दिन बस भागते दौड़ते जो है ना चलता रहा, तब जाके मैं अभी बाहर निकल के जा रही हूँ कहीं पर। और बस कहीं जाना होता है ना तो यही होता है मेरे साथ के बच्चे भी बिजी रखते हैं, घर पे काम सारे खत्म करने पड़ते हैं। तो अभी जो है ना 7:15 बजे का टाइम हो रहा है और पहुंचते पहुंचते वही आधा पौन घंटा लग जाएगा मुझे। तो बस अभी चीजें लेते हैं और चीजें लेके फिर हम लोग वहाँ रवाना हो रहे हैं और साथ खैर खैरियत से बस पहुंच जाए। काफी अरसे बाद जा रही हूँ। आंटी जब उमरा करके आई थी तब भी मैं नहीं जा पाई, बहुत शर्मिंदा थी मैं, उनको मुबारकबाद भी नहीं दे पाई थी। तो आज जाऊंगी और आज जो है फाइनली उनको मुबारकबाद भी दूंगी। और ऐसा समझ लें कि एक होता है ना कि माँ माँ जैसी, तो वो माँ जैसी नहीं है, माँ ही है मेरे लिए। और वो भी मुझे बेटी और दामाद मेरे हस्बैंड को समझती हैं। तो अच्छा लग रहा है, आज फीलिंग्स अच्छी आ रही हैं बहुत ज़्यादा, बल्कि कल से मुझे अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं। तो चलें जी, बेकरी आ गई है, चीज़ें लेती हूँ पहले। चलें जी, ये थोड़ा सा सामान लेना था मैंने, और ये जूसेस वगैरह और भी चीज़ें वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें ले ली हैं। और वो कुछ मैंने गिफ्ट्स लिए हैं, तो वो गिफ्ट्स भी हैं साथ साथ, तो वहीं जाके दिखा दूंगी आप लोगों को भी ना। तो बस आज तो मैंने अपने लिए जो है ना पर्स भी लेकर आई हूँ, क्योंकि इसमें मोबाइल वगैरह मैंने रखे हैं। और ये पर्स जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे पिछले साल गिफ्ट किया था और ये मुझे बहुत पसंद भी है ना, तो कैरी करने में भी बहुत इजी लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं पर्स लेती नहीं हूँ, बहुत कम लेती हूँ, तो ये मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। और ख़ूबसूरत सी कराची की सड़कें और रोशन, जिस तरह बोलते हैं ना रोशनियों का शहर है ये कराची, तो देख लें रोशनियाँ कितनी खूबसूरत जो है ना, लाइटिंग वगैरह, हर कोई अपने अपना बस मगन है। कोई शाम में, कोई रात में, वैसे बहुत रश होता है, अभी भी इस टाइम बहुत ज़्यादा रश है। और अभी जो है ना हम लोग को पहुँचते पहुँचते तकरीबन 1.5 घंटा लग जाएगा, आधा घंटा ऑलमोस्ट। तो जनाब, आधा सफ़र हम लोग तय करके आ चुके हैं। और ये इलाका जो है ना, यहाँ पे वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ, ये आप लोगों से शेयरिंग करनी थी। और जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो हम इसी एरिया में रहते थे, इसको नॉर्थ कराची का एरिया बोला जाता है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा है, अक्सर हम लोग यहाँ से ना बहुत सारी चीज़ें भी खाने आते थे। तो यहाँ पे जब भी मैं आती हूँ ना, तो मुझे अपनी पुरानी यादें, जो मेरी वाबस्ता है, वो मुझे बड़ी याद आती हैं। और ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर आकर खुशी होती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ से हम लोग फ्रूट्स भी लिया करते थे ना, तो अभी भी देखें रश है काफ़ी, लोग फ्रूट्स खरीद रहे हैं। यहाँ पर एक जाहिद बेकरी आती है, अब तो माशाल्लाह बहुत सारी खुल गई हैं। स्वाद, ये रही जाहिद बेकरी। तो हम लोग यहाँ से रसमलाई बहुत खाया करते थे, बहुत मज़ेदार होती थी। और उस टाइम हाँ मलिक साहब, कितने दिए ही होना जड़े, 70 70 रुपए की मिलती थी। 2012 जो है ना, 2012 में मैं हम लोग यहाँ रहते थे, और उस वक्त 70 रुपए की रसमलाई के कप मिलते थे, बहुत बड़े बड़े से। और अब तो पता नहीं क्या रेट हो गया होगा, अब तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया होगा। तो बड़ा मज़ा आता था, हम लोग डेली, तकरीबन डेली खाते थे हम लोग, बहुत अच्छा लगता था उस वक्त जो है ना।
आइसक्रीम भी खाने जाते थे हम लोग, पैदल जाते थे, बहुत अच्छा लगता था क्योंकि बाइक नहीं थी हमारे पास उस वक्त, और पैदल वॉक करते हुए जाते थे। और अब हमारे पास बाइक भी है, गाड़ी है, तो मोटे हो गए हम लोग तो पैदल नहीं चलते तो मोटे हो गए, पहले पैदल चलते थे तो सेहतमंद भी थे हम लोग ना। फाइनली हम लोग जो है ना उस एरिया में तो पहुंच गए, मगर अभी तक फ़ोन जो है ना आंटी नहीं उठा रही हैं, और जैसी आंटी फ़ोन उठाएंगी तो बताएंगी कि घर कहाँ पर है, क्योंकि मैंने घर अभी तक देखा नहीं है, काफ़ी अर्से बाद आई हूँ। और अभी जो है ना बस वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और नंबर जैसे ही वो उठाएंगी ना तो हम लोग जो है ना फिर, क्योंकि मैं जब घर से निकली थी ना तब कॉल करके निकली थी, और अब जो है ना यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं हम लोग, फ़ोन जैसे ही उठाएंगे तो फिर हम लोग जो है, क्योंकि हो सकता है उनके मोबाइल में साइलेंट हो, क्या है मुझे पता नहीं, बहरहाल बस अभी जो है ना बस उन्हीं के फ़ोन उठाने का वेट कर रहे हैं हम लोग। हम लोग जो है पहुँच चुके हैं और रास्ता देख रहा मेरे हस्बैंड की गाड़ी जाएगी भी कि नहीं जाएगी, तो शायद चली भी जाए, नहीं जाएगी शायद, तो गाड़ी हमारी आगे नहीं जा सकती, तो हम लोग यहीं पे गाड़ी पार्किंग कर रहे हैं, यहीं से उतर के जा रहे हैं। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं, शुक्र है खुदा का, पूरे 20 मिनट से 25 मिनट हम लोग वहाँ पे वेट करते रहे। सब ठीक है, चलो चले चले जी, हम लोग पहुँच गए, अभी अजान हो रही है, थोड़ी देर के बाद मैं वीडियो बनाऊंगी। अब ये प्यारी सी आंटी मेरी, ये मेरी प्यारी सी आंटी भी है, मेरी माँ भी है, और माँ से भी ज्यादा बढ़ के प्यार करती है मुझसे बहुत ज्यादा, और जब से मेरी अम्मी गई है तब से ज्यादा मुझे मानो जितने प्यार करती है ना उससे भी ज्यादा प्यार करती है, मेरी जान है। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। तो चलो जी, आज जो है ना मैं मानो के लिए कोई चीज लाई हूँ, और इंशाल्लाह तुम्हें पसंद आ जाएगा। ये मानो, ये मैंने तुम्हारे लिए लिया था, और ब्लैक कलर नदीम ने पसंद किया, मैंने नहीं किया था, ठीक है। नदीम ने कहा उसका कलर बहुत फेयर है तो उस पर अच्छा लगेगा तो इसलिए नदीम ने बोला था ये चुनरी वाला सूट उस पर बहुत जचेगा, और इसलिए जो है ना तुम्हारे लिए मैंने ये कलर लिया है। अब पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं, नहीं पसंद आएगा चादर रोड़ी थी ना एक दफा तुमने, जैसे व्हाइट सूट हो उसके ऊपर अजरक हो, है ना, अच्छे लगते हैं। आंटी हमारे लिए बना रही है गर्मा गर्म रोटी, बस उल्टे तवे वाली, और आंटी जल्दी जल्दी हाथ चला रही है क्योंकि बच्चों को लग रही है भूख, और बस हमारी बिरयानी भी ऑलमोस्ट रेडी है। एक डिश आंटी निकाल चुकी है, और अभी जो है ना वहां से जो है मैं दूसरा आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमारी बिरयानी भी तैयार है, बस अब जो है ना बस रोटियां पक रही है, फटाफट हम लोग खाएंगे खाना। हाँ जी, तो ये देखें हमने टेबल जो है ना, खाना जो है टेबल पे रखना शुरू कर रही है मानो, मगर हम लोग जो है ना नीचे खाते हैं, और मानो को मैं यही बोल रही हूँ कि हम लोग जो है ना, तो ये मजेदार से कबाब जो है ना बस ये डिश आउट कर रही है, बस अभी हम लोग जो है ना नीचे दस्तरखान लगवा रही हूँ। मीसा देखो इब्राहिम को घिराना नहीं, इधर आ जाओ, चलो चलो इब्राहिम यहाँ पे साइकिल चलाओ, चलो आ जाओ, शाबाश, इनको बड़ा शौक हो रहा है साइकिल चलवाने का। अच्छा जी वो बोलते हैं रोजाना मीठा नहीं खा रही, थक जाती हूँ, उधर आ जाया करो, दिल नहीं लगे उधर आ जाओ। अच्छा जी, तो चले भाई, ये देखें आंटी जो है ना मेरे लिए गिफ्ट खरीद के रखा है उन्होंने, बहुत प्यारा सा, और ये जो है ना बहुत कामयाबी आता फरमाए अल्लाह पाक अपने बच्चों की, बहुत बहुत खुशियां दे, हाँ, ये जो है ना अब मैंने ईद पे पहनना है, सही है इंशाल्लाह आंटी, अल्लाह ताला अब ये मैं ईद पे पहनूंगी, परवरदिगार बहुत बहुत आमीन मुबारक हो। और ये मेरा फेवरेट येलो ही कलर है माशाल्लाह से, देख लेंगे येलो कलर आज मैं पहन कर भी आई हूँ, और येलो कलर जो है ना मुझे गिफ्ट मिला है, और ये मैं आंटी का सूट जरूर पहनूंगी इंशाल्लाह ईद पर, ठीक है जी, इंशाल्लाह देख के ना बहुत ज्यादा हो रही है तबीयत हो रही है, नहीं अल्लाह हाफिज, ठीक है।
चले फासिया, चलो बेटा, चलो चलो गाड़ी में बैठो, नाना से मिले, मिलो नाना से मिलो, अम्मा को बोलना नाना ने भी आना है अब इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज शहजाद भाई, अल्लाह हाफिज, ठीक है अंकल, अल्लाह हाफिज। अब मेरे घर चलो चलो, अल्लाह हाफिज।